और आई का आर के साथ में इनवर्स रिलेशन। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था जिसमें था ना कि हाँ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है किसी के पास, पढ़ सकते हैं उस क्वेश्चन को अभी क्या फटाफट। उसमें ये बोला था ना कि विभिन्न मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस जो लगे हुए का इसमें सीरीज सर्किट में, अलग अलग रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगे हुए हैं इनमें से किस, हाँ अनइक्वल रेजिस्टेंस है ना, आर वन आर टू आर थ्री, फिर हाँ फिर ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस। इन अ सीरीज सर्किट विद अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑप्शंस आर एज फॉलोस, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू इट, द लोएस्ट रेजिस्टेंस हैज द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, द लोएस्ट रेजिस्टेंस हैज द हाईएस्ट करंट, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस द हाईएस्ट वोल्टेज। अब देखो यहां पर जो कांसेप्ट था ना अपना, कांसेप्ट यहां पर क्या था, सीरीज सर्किट जो अपना होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन जो समानांतर श्रेणी अपनी, सॉरी श्रेणी क्रम जो अपना होता है, सीरीज जो अपना होता है, इसमें करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि वेरी करता है, है ना। तो सीधी बात है जो ये रिलेशन है इसको हम यूज ही नहीं करने वाले क्योंकि करंट तो कांस्टेंट हो गया ना, इसीलिए हम रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला वोल्टेज वाला आर वाला। यानी सीधी बात है जिसका आर ज्यादा होगा यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। तो उसमें कोई ऑप्शन ऐसा है जिसका आर ज्यादा है वोल्टेज ज्यादा है, ए में क्या लिखा है, करंट नहीं भाई, डी डी आंसर है ना, आप डी वाला बोल रहे थे जीतू कल, डी सही होगा ना क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, ठीक है ना। ये चीज हाँ वो आंसर सही कब होता है, जब अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में चल रहे थे, समानांतर श्रेणी में चल रहे थे, वोल्टेज ड्रॉप में। देखो वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट फिगर होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। वोल्टेज ड्रॉप की बात जब आएगी जब रेजिस्टेंस आगे जुड़ने लगेंगे, जैसे कि बल्ब आ गया, पंखा आ गया, ट्यूबलाइट आ गई, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना सीरीज में, अरे सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज चेंज होगा और चेंज होने की बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, उसका वोल्टेज, ठीक है ना, उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस इधर देख लो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, उसका अपना वोल्टेज ज्यादा, पूरे सर्किट के वोल्टेज की बात नहीं की जा रही, सर्किट में तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर हो रहा है ड्रॉप, ये तो कह रहे हैं हम। चलो माड़ के क्लियर है ना आपको, अरे हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, मेरी बात सुनना, वोल्टेज ड्रॉप मतलब ये थोड़ी कह रहे हैं कि वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, आप वैल्यू देखो ना, वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या है, हम वैल्यू निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड में, जैसे मान लो वन, आप मान लो मैंने बोला वन वोल्ट और फिर मैंने आपसे टेन वोल्ट है ना, तो हाईएस्ट ड्रॉप कहां पर आया, वन में आ रहा है टेन में आ रहा है, हाईएस्ट ड्रॉप किस में आ रहा है, वन में आ रहा है टेन में आ रहा है, वैल्यू बड़ी कौन सी है, वन है कि टेन है, उसको ऐसे देखना इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब एक्चुअली क्या, अपन को फिजिक्स के लेवल पर नहीं जाना, अपन को जनरल नॉलेज के लेवल पर साइंस को पढ़ना है, ठीक है ये चीज। चलिए क्वेश्चन क्या, पर्वतों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी, मतलब टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ द माउंटेन्स डज द हिमालयन बिलोंग्स, किससे, वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन से। अच्छा जो ये भ्रंशोद यानी ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, इसका एग्जांपल किसी को पता है, सही है सही है, सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंजेस में आ जाएंगे, ओके। पठार पहाड़ में क्या आ जाएंगे, हाँ वो भी, पठार में कौन से आ जाएंगे, प्लेच्यू माउंटेन में कौन से आ जाएंगे, देखो पठार पहाड़ बोल रहे हैं ना, पहाड़ बिल्कुल सीधी बात है, जितने अपने यहाँ पठार बने हुए हैं ना, जितने प्लेच्यू बने हैं उनके ऊपर जो भी पहाड़ बने हैं वो सभी से, खास करके यदि आप मेन एक इंटरनेशनल एग्जांपल लोगे तो किसका लोगे आप, तिब्बत के प्लेच्यू का, तिब्बत पठार पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, बिल्कुल हाईएस्ट प्लेटू क्यों है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो बराबर टकरा रही है ना आगे चल के, ठीक है ना, हमको पता है, जैसे आपने केक देखा है, केक मुंह पे मला हो किसी के अपने दोस्त यारों के, है ना, जब वो केक आप अपने सामने रख के से सिकोड़ते जाते हो तो ये बीच में ऊपर उठता है कि नहीं उठता है, तो ये फोल्ड बन के ऊपर उठ रहे हैं, ये कहने का मतलब है वाले फोल्डेड माउंटेन्स। अच्छा गुंबदनुमा पहाड़ इसका एग्जाम्पल किसी को पता है, यानी कि डोम्ड माउंटेन्स है ना,
कुछ कुछ वैसे ही है ना, ब्लैक हिल ऑफ साउथ डकोटा, ये कहां पर है, यूएसए में है। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दी यहां पर, ये वो एग्जांपल है जो एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए आपको एग्जांपल यहां पर दे दिए। अब सारे एग्जांपल तो मैं दे नहीं पाऊंगा, सारे फैक्ट्स का मुझको भी पता नहीं है, है ना, कुछ इधर मिक्सअप भी हो जाते हैं ना जब फैक्ट्स वाली बात आती है। क्योंकि देखो आपको चीज बता दे, दिक्कत जो आनी प्रीलिमिनरी एग्जाम में दिक्कत आनी है अपन को, अगर मान लो एक भी फैक्ट चूक जाता है अपन से प्रैक्टिस के समय, और मान लो वहां पर रह जाए एक नंबर से भी रह जाए, तो सोचो पूरी एक साल अपन पीछे चले जाते हैं अपनी तैयारी से, है ना। मेंस में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन मेंस में फिर आंसर राइटिंग पे रहता है जो भी कुछ रहता है। ठीक है, हाँ सही बात है, अच्छी बात है ना, इंटरव्यू तक की तैयारी हो गई। चलो, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, कौन सी, गॉडविन ऑस्टिन। हाँ, कितनी ऊंचाई है इसकी, 8611 मीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से भी आता है, लिखा ना विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, कंचनजंगा। ठीक है ना, कामेत कहां पर है, कामेत पर्वत उत्तराखंड में, बिल्कुल। नंदकोटा ये भी उत्तराखंड, ये क्वेश्चन कईयों बार आ चुका, नंदा देवी वाला क्वेश्चन के, बिल्कुल सर्वोच्च चोटी उत्तराखंड की कौन सा, नंदा देवी वाला। इसकी ऊंचाई पता है किसी को कितनी है, कुछ ऐसी करके आसपास कुछ है, 7615 कुछ टाइप से करके है, एक बार आप चेक कर लेना उसको, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमालय की उत्पत्ति किस भूतल से, फ्रॉम विच ऑफ द, फ्रॉम विच लैंड फॉर्मेशन डिड द हिमालयस ओरिजिनेट, किससे, टैथिस, सभी को पता ही है ये तो। चलो, कुल्लू घाटी निम्न से किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, धौलागढ़ वीर पंजाल, क्यों जीतू, सही है, हैं अभी पढ़ा है, ए आंसर है, ठीक है ना, ये आंसर है धौलाधर और पीर पंजाल। अच्छा, धौलाधर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। रणज्योति और नागटिब्बा, ये रणज्योति ये तो खैर मुझको भी मिला नहीं, कहां पर है, मसूरी में, नागटिब्बा तो उत्तराखंड में, रणज्योति, रणज्योति हाँ ये नहीं मिल रहा ना, ये मुझे भी नहीं मिला था इसीलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, CDS एग्जाम में आया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में, है ना, वहां पर, वहां से निकाला गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया, तो आंसर क्या है, अजंता। अरावली किस किस राज्य में, एक बोलो आप, बोलो प्रियंका, नहीं नहीं कहाँ कहाँ पर है वो तो पता ही है ना सभी को, राजस्थान में और हाँ दिल्ली, चलो ठीक है, सतपुड़ा MP और गुजरात, महाराष्ट्र, अजंता हमने कहा केवल अकेला महाराष्ट्र में ही है, और सह्याद्री कहां पर है, ये वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीरी में चलकर आती है, हाँ सॉरी महाराष्ट्र कर्नाटक, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ लें दो पहले, अरे एक मिनट क्वेश्चन तो पढ़ लें पहले। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है, विच ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, ये अपन ने पढ़ी थी उस टाइम पे, बताई थी आपको, हाँ अरे अपन ने बनाया था ना पहले, कौन सी है ये अपन ने तीन चार बनाई थी कि नहीं बनाई थी, यहाँ पर लाइन से मैंने आपको बताया था, वो शेषाचलम गांव छोड़ देना, वो पहाड़ी थी अलग, गांव था यहाँ पर जो मैंने गांव ले ली थी, तो गांव को याद नहीं करना अपन को, कौन सी थी, हाँ शेवरा तमिलनाडु, अगर मान लो वहां शेषाचलम दिया था आंसर तो शेषाचलम लगाएंगे, अगर शेषाचलम नहीं दिया तो शेवराय लगा दे, क्योंकि वो शेवरा उसका एक्सटेंशन है ना, इसीलिए वहां पर ऑप्शन में शेषाचलम दिया हुआ था जब अपन ने प्रश्न उस समय किया था तब। ठीक, हाँ सबसे पहले कौन सी है यहाँ पर, नीलगिरी, फिर नीलगिरी के नीचे डोडा, नहीं डोडा बेटा इसकी तो वो हाईएस्ट पीक है, ये डोडा माउंटेन अलग है, फिर इसके नीचे अन्नामलाई, अनायमुडी नहीं है, ओवर कार्डेमम,
तो ये याद रखना भाई आप लोग, है ना, क्योंकि ये क्रम पूछा जाता है लगाने के लिए कहां से, अपने नॉर्थ से लेके साउथ तक का, ठीक है ना। अब देखो यहां पूरी बोला जा रहा है प्रायद्वीप भारत में सर्वो सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, है ना, तो वो कहां पर है, हाँ हाँ अन्नामलाई की चोटी है, और अन्नामलाई पर्वत भी एक अलग से, पर्वत भी अलग से, ठीक है। हाँ चोटी पूछे ना, अन्नामलाई अन्नामलाई सबसे वो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, अच्छा डोडा बेटा किसकी जो ना सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी, और कार्डेमम तो खैर इलायची पहाड़ियां आई है, नीलगिरी हो गया, चलो हो गया। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है, ठीक है तो क्लियर ही है कौन सी है, अरे यार कार्डेमम, कार्डेमम पहाड़ी है, ठीक है, पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, ठीक। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह, इनमें से कौन सा करता है, जोजेला, ठीक है ना, उसको याद कैसे करते हैं अपन, जोशीले, ठीक है, जोजेला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ऐसे करके, ठीक है। बनिहाल दर्रा कहां पर है, हाँ पीर पंजाल में, मतलब कश्मीर में है, मैं ये पूछ रहा हूँ। रोहतांग कहां पर है, रोहतांग किस स्टेट में, और बुर्जिल, बिल्कुल। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने और आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज प्रेजेंट टू द वेस्टर्न मोस्ट एरिया, मतलब ऐसा कौन सा दर्रा है जो क्या सबसे ज्यादा, यानी कि कौन सा, मिंटा का पक्का, मैं श्रेणी आपसे पूछ रहा हूं, अपन जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ठीक है, यहां पर मिलेगा आपको कहीं पर सबसे, कहां पर वेस्ट में, तो उसका नाम क्या है, मिटा का आप ऊपर बोल रहे हो ना, बुर्जिल नहीं, पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बाद बुर्जिल है, पहले पीर पंजाल और फिर बुर्जिल, क्या, अरे भैया मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आपने उसको ऊपर नीचे ले लिया, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन जो आता है, जो क्वेश्चन आता है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि सबसे पश्चिम में कौन सा है, अगर आप देखोगे ना, मेरा सुनो ध्यान से, देखो ये है पीर पंजाल की पोजिशन, है ना, और ये किसकी, बुर्जिल की पोजिशन, कुछ ऐसा करके ऊपर नीचे है, आपने कहा ऊपर नीचे बोल के बोल दी मुझसे कि नहीं है, अब आप ध्यान से देखो, अगर आप पोजिशन वाइज चलना शुरू करोगे यहाँ से, तो पहले आपको कौन मिलने वाला है, ये मिलेगा कि ये मिलेगा, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, वेस्ट से हमको इसकी तरफ चलते हुए आना, इसी में तो पीर पंजाल, मिंटा का नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो अपन पीओके, आप पीओके मत बोला करो, देखो पीओके तो अपन क्या है एग्जाम के पर्पज से बोल रहे हैं पीओके, वरना अपन तो क्या देशभक्त लोग हैं, अपन तो पीआईओके बोलेंगे उसको, पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, अरे यार चलो। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, व्हाट इज माउंट एवरेस्ट कॉल्ड इन नेपाल, उसे हम कहते हैं, अच्छा तिब्बत में उसे हम क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, वो तो श्रेणी है महाभारत को, चोमो लुंगमा लिखा तो है यार, ठीक है ना। चाइना में क्या बोलते हैं, चाइना में कुछ कुछ ऐसे नाम है, चाऊ माऊ है ना, ले ऐसे करके नाम है चाइना में, एक बार देख लेना, चाउ माउ ले कुछ ऐसा करके नाम है ना, लेकिन आप को दो नाम पता हो कौन कौन से, एक तो सागरमाथा जो नेपाल में कहा जा रहा है, दूसरा चोमोलुंगमा जो कहाँ कहा जा रहा है, तिब्बत में, ठीक है ये चीज। चलो शेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु, ठीक है। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, नेम द पास, कौन सा, लिपू लेक, अच्छा तो ये पेंसिल दर्रा ये कहां पर है, जास्कर श्रेणी में, बिल्कुल। खारदुंगला कहां पर है, लद्दाख श्रेणी में। बनिहाल कहां पर है, पीर पंजाल श्रेणी में, वाह।
वाह वाह, पता है सबको, क्या बात है, मजा आ गया। लगता सभी लोग प्री निकालेंगे यहाँ पे बैठे हुए। टॉग ऑफ दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान के म्यांमार। अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न है, जो टॉग ऑफ दर्रा है ये भारत के किस राज्य में है, है ना? ये थोड़ा कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये मुझको मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन भी क्या है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में आया हुआ था, इसीलिए ना टॉग ऑफ दर्रा मुझे मिल नहीं पा रहा था, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी, है ना? तो इसको थोड़ा अपनी तरफ थोड़ा सर्च करके देखना कहाँ पर है ना, लेकिन ये जोड़ता किससे, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे जो सेवन सिस्टर्स हैं, आंध्र प्रदेश, वो सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, वहां पर किसी में है ये टॉग ऑफ फॉल्ट, है ना, टॉग ऑफ पास। चलिए डैश डैश डैश, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण का स्थल है रोहतांग दर्रा। सीधी बात है, देखो जो अगहिल दर्रा ये कहां पर था, चांगला कहां पर था, ये भी लद्दाख में ही था, ठीक है ना, इसीलिए। क्या बोल रहे हो, ये वो तो नन ऑफ दीज है ना, इनमें से कोई नहीं है ना, जैसे नहीं होता वो वोटिंग मशीन में लिखा था नोटा नन ऑफ द अबव, जैसे मैं जब भी वोटिंग करने आता हूँ मैं हमेशा नोटा दबा कर आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्या कोई भी नेता उसमें ऐसा लगता है जिसको वोट देना चाहिए, क्योंकि मैं किसी पार्टी समर्थन ही नहीं करता हूँ। नहीं बुराई भी सोच समझ करना पड़ती है, नहीं तो पता पड़ा यहाँ पर देख रहे हो ऑनलाइन और पकड़ के ले जाए घर से, क्यों भैया ये पढ़ाते हो, आ जाओ कोपचे में लेगा, खर्चा पानी दे दिया, अगले दिन यहाँ आने लायक नहीं बचे। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ, आप लोगों ने पढ़ लिया ना मैग्नेटिक, है ना, तो उसका आंसर क्या है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यानी किसी धारावाही लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती है, समानांतर सीधी रेखाओं में। सोलेनोइड होता है, देखो सोलेनोइड क्या होता है इससे हमको मतलब नहीं है, पहली बात तो ये है, लेकिन इसका यूज कहां पर होता है, अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पता है हमारे घर में जो लॉकिंग सिस्टम होता है ना, जो कंप्यूटर इनकॉर्पोरेटेड होता है, जैसे कार में होता है लॉकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉक होता है कि नहीं होता है कार में, तो कार में सेंट्रल लॉकिंग के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज, डिवाइस का, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, डिवाइस का यूज किया जा रहा है, उस डिवाइस के भीतर क्या होता है, सोलेनोइड लगा हुआ होता है ना। तो सीधी बात है, इसका यूज हम कहां करते हैं, मेनली लॉकिंग सिस्टम में। आपने देखा होगा जो होटल्स में दरवाजे होते हैं ना, जिनको हम कार्ड स्वाइप करके खोल लेते हैं, है ना, उस डोर में जो लॉकिंग सिस्टम होता है वो सोलेनोइड वाला ही होता है, ठीक है ना, ये चीज। तो ये पूछा जाता है इसलिए आपको बता दिया, देखो यहाँ पे बनाया, ये देखो पैरेलल लाइन से, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर, ठीक है, गॉस किसका है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, है ना, बिल्कुल, हर्ट्ज किसका है, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का, और टेस्ला किसका है, एक ही है, ठीक है ना, बाकी टेस्ला तो एलोन मस्क का भी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, ऑक्सीजन। अच्छा अनुचुंबकीय मतलब जानते हो क्या होता है, फिच ऑफ द फॉलोइंग पैरा मैग्नेटिक, आप जानते हो, आपको देखो तीन प्रकार के जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं आते हैं, ये पता है कि नहीं पता है, कौन कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक जिनकी मैग्नेटिज्म सबसे कम होती है, पैरा मैग्नेटिक कौन से होते हैं, वीक होती है, और फेरोमैग्नेटिक की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो देखो जैसे जिन बच्चों ने वो चीज समझी नहीं ना, उनके लिए बता रहा हूं, डायमैग्नेट देखो यहां पर क्या है, मैग्नेट होती है चुंबक, ये चुंबक ले लिया अपन ने, इसको मैंने मान लिया पुलिस वाला, ठीक है। तो जो डायमैग्नेटिक लोग होते हैं ना, ये होते हैं आम आदमी, आपके और मेरे जैसे लोग, पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी हमारे लिए, केवल रिश्तेदारी हो तो चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दोस्ती दुश्मनी कुछ भी नहीं है ना। तो हम इनसे क्या करेंगे, दूरी भागेंगे ना पुलिस से, है क्या नहीं, हम दूरी भागेंगे ना, तो हम इनसे क्या भाग रहे हैं, दूर। अब आए थे कि पैरामैग्नेटिक पे, तो पैरामैग्नेटिक में कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे छोटे मोटे हिस्ट्री शीटर लोग, जो क्या है पुलिस में चांटा मार के भाग जाते चुपचाप से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेंगे ये, और बाकी क्या भाग जाएंगे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बैठे रहने दो। देखो नहीं किसी को बुरा नहीं लगेगा, देखो जो अच्छे पुलिस वाले होते हैं कभी बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा बुरे पुलिस वाले को, है ना। जैसे देखो मैं था ना, मैं आपको मालूम इधर की बात है, गोविंदपुरी है ना जो,
सिटी सेंटर वाला एरिया, वहाँ पर एक जो ना टीआई था या ना कोई त्रिपाठी था शायद वो, है ना, मैं पापा के साथ में जब जा रहा था गाड़ी से, तो उसने हमको कर रोका, रोक कर जो वह भैंस हुई थी ना उसमें बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि नहीं भैंस नहीं भैंस आर मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए ना उसके साथ में, उसमें बड़ा मज़ा आया था, है ना, क्योंकि मुझे ये करने बहुत मज़ा आता था। तो मेरे पापा को ये समझ में आ गया था कि जब तक ये अकेला ऐसे फिरता रहेगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना हुआ, ये ऐसे ही करता रहेगा, इसे पेयर्ड करो ताकि इन चीज़ें दूर हटे। आप देखो जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं ये चीज़ कर ही नहीं पा रहा हूँ चाहकर भी, वरना मुझे बड़ा मज़ा आता था चैटने में, किन से, खास कर से पुलिस वालों से, खास कर से। हाँ, फेरोमैग्नेटिक में क्या है, ये वो होंगे कौन, गुंडे टाइप के लोग जिन्हें क्या है नेताओं का समर्थन है ना, सीधे थाने पहुंचे, ये क्या बोलेंगे, बिगाड़ ले बेटा क्या बिगाड़ कर ले, मैं तो थाने में ही आ रहा हूं, ठीक है, ऐसा। बाकी देखो हमको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, डायमैग्नेटिक में एग्जाम्पल अपना क्या है, डायमैग्नेटिक में ना, और पैरामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक में, फैकोनी, ठीक है ना, फैकोनी याद कर लेना आप लोग, आयरन कोबाल्ट निकल, हाँ हम बदलते हैं ना गर्म करने पर, बिल्कुल, लेकिन अपन गर्म करने में गुड़ बदलना नहीं चाह रहे ना, और क्या, देखो सीधी बात है, ये कितना भी चढ़ रहा हो, देखो एक पुलिस की एक बात सुन लेना आप ध्यान से बात, यहाँ पर पुलिस वालों को पता है कि ये कितना भी चढ़ रहा हो, एक बार से अंदर ले चलता हूँ थाने के अंदर, बढ़िया को तभी से धोता हूँ पहले तो, है ना, फिर बाद में सॉरी बोल देंगे, अरे भाई साहब पहचान वाले थे, सॉरी सॉरी, गलती होगी मुझसे यार, चलो खैर। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, द मटेरियल ऑफ विच अ परमानेंट मैग्नेट इज मेड इज, वो किसका होता है, फेरो मैग्नेटिक, ठीक है ना, अपन ने देखा था पीछे कौन कौन से तीन, आयरन कोबाल्ट और निकल, निम्न में से कौन प्रति चुंबकीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई मैग्नेटिक, अब आप बता सकते हो उसका आंसर, क्योंकि देखो यहां पे दिख रहा है ना, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक है ना, तो कौन बचा, बिस्मिथ बचा, जो कह जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है ना, क्योंकि ये तो दूरी भागेगा बेचारा, आम आदमी है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, द एक्सिस ऑफ अ फ्रीली हैंगिंग मैग्नेटिक नीडल मेक्स एन एंगल विद द ज्योग्राफिक एक्सिस, कितना एंगल बनाती है, हाँ ये आप उनको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ना जो वो रहता है कंपास, उसमें जो मैग्नेटिक नीडल होती है, क्या कह रहे हो, ये कितना एंगल बनाती है, 18 डिग्री का, हाँ उसको सही कर लेना, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान, अरे वर्तमान नहीं सॉरी, ये होगा यहां पे करंट होगा, है ना, करंट की वर्तमान की दिशा दिखाती है, विच फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी दिखाती है, पक्का किसी को पता है क्या, अरे आपने पढ़ा होगा ना, लेफ्ट ये है ना, लेफ्ट हैंड है ना, तो जो अंगूठा अंगूठा ये क्या दिखाता है हमें, फोर्स यानी कि बल, ये जो हमारी फिंगर है ये वाली, ये हमें क्या दिखाती है, फोर्स, ओ सॉरी फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या दिखाएगी, ये वाली उंगली बीच वाली मिडिल फिंगर, करंट की डायरेक्शन, इधर देख लो ना आप, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है, ये दिखा रहा है फोर्स यानी कि बल, ये दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, और ये करंट, ठीक है, तो यानी कि सीधी बात है हमारी कौन सी रिंगर, कौन सी फिंगर बन रही, मिडिल फिंगर, बीच की उंगली, मिडिल फिंगर ही तो आई कि नहीं आ रही है, पांच उंगली में से ये मिडिल फिंगर होती है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ठीक है, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड, हाँ वो तो एफबीआई बोलते हैं अपन, और कुछ नहीं कहते, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई बोलते हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा करके, एफ से फोर्स, बी से मैग्नेटिक फील्ड और आई से करंट, अब पीएमटी में ये बोलते थे, बाकी क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो ना वो होती है ना बी, उससे करके याद कर लिया था, चलिए ये रहा देखो, ठीक है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल, मतलब इनमें से किस प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या, पहली बात तो ये, इलेक्ट्रिक मोटर वो होता है जिसमें मैग्नेट लगी रहती है, अपन करंट पास करते हैं तो गोल गोल घूमने लगती है। देखो अपन क्या, अपने कॉमन एग्जाम्पल लो, आपके घर के भीतर जो मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है वो क्या एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना, तो देखो वो किस पे काम करेगा, वो काम करेगा फैराडे के लॉ पर,
किस पर? फैराडे के लॉ पे, लेंस पे नहीं, लेंस पे काम करता है जनरेटर, ठीक है ना, लेंस पे काम कौन करता है? जनरेटर, जिसमें मैग्नेटिक, मतलब आपने क्या मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा लगाई और वो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलने लग गई? अब इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ओम का नियम सबको पता ही है, जो प्रतिरोधकता दिखाता था, रेजिस्टेंस। फ्लेमिंग का नियम अभी अपन ने देख ही लिया। कोई कुछ क्या टेस्ला का? अच्छा फैराडे के नियम बता दें, ये कह रहे हो फैराडे का लॉ नियम? अरे एक्चुअली नहीं, एक्चुअली क्या उसका फॉर्मूला है जो मुझको याद है ना, नियम थोड़ा देखना पड़ेगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा उसका ढंग से, अभी ऐसे नहीं बता पाऊंगा। इनके जो, देखो मेरी सुनो, जितने ये नियम है ना, ये क्या है, इन पर जो अपने क्या कहते हैं डिवाइस वर्क कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर अपने एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इस समय, बाकी तो पढ़ने के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा थोड़ा यार, ठीक है ना। अरे तो आप जब जनरेटर को घुमा रहे हो, यांत्रिक ऊर्जा चला रहे हो, तो जनरेटर के भीतर क्या लगा है? मैग्नेटिक तो लगा है ना, वो घूमेगा। नहीं नहीं मैं भी कब कह रहा हूँ कि आप मुझे गलत कह रहे हो। चलो चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बनाने के लिए किस तत्व पदार्थ का सर्वाधिक उपयोग होता है? विच एलिमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर? कौन सा? सॉफ्ट आयरन। अच्छा हम सॉफ्ट आयरन का यूज ही क्यों करते हैं इसमें? परमानेंट मैग्नेट ना बन पाए और हीट जो होती है ना, हीट डेवलप हो जाती है बहुत ज्यादा, वो हीट डेवलप ना हो। जैसा को पता है ना, कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है उसके ऊपर हम लोग वो लगाते हैं, लगाते पेस्ट कूलेंट टाइप का, फिर उसके ऊपर पंखा चिपका रहता है जिससे क्या वो कूल बना रहे। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी सी पट्टियां होती है, किसकी? सॉफ्ट आयरन की। इन्हीं के बीच में क्या, कूलेंट लागन को आपस में चिपका दिया जाता है ना, ताकि क्या इसमें हीट ज्यादा ना बने और करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। चलो लेंस का नियम है, अब ये याद कर लेना, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, पूरे संरक्षण का, ठीक है। अपन ने किसमें यूज करा था लेंस को? अभी जनरेटर। लोहे का क्यूरी ताप होता है, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 780। क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है, मतलब क्यूरी टेम्परेचर वो उच्चतम तापमान यानी वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी तत्व या एलिमेंट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, खो देता है, ठीक है, ये चीज। चलिए अब ये क्वेश्चन एक, डी हैज रिसेंटली विजिटेड खारदुंगला, नुब्रा वैली एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, पहले पढ़ लें पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी हैड शी लगा दिया यहां पर, विजिटेड है ना, वेमेन एम्पावरमेंट, शी लगाकर, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी ने हाल ही में खारदुंगला, नुब्रा घाटी और कई बौद्ध मठों का दौरा किया है, उसने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया था? किसका किया था? लद्दाख का किया था, ठीक है ना, क्योंकि देखो खारदुंगला कहाँ मिलेगा हमको, ठीक है ना, ये चीज। नुब्रा वैली, बिल्कुल। चलिए वो क्वेश्चन आ चुका है पहले, 2021 में आ चुका, सीडीएस में वाला क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द अटल टनल, अटल सुरंग द्वारा किन दो शहरों की दूरी कम हो गई है? मनाली से ले, ठीक है ना, मनाली से ले हो गई है। अच्छा यहां पर अटल टनल के बारे में, बिल्कुल सही, अटल टनल जो है इससे कितनी दूरी कम हुई करीब करीब इसके बनने से? 46 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल 46 किलोमीटर कम हो चुकी है, 4 से 5 घंटे कम भी लगेंगे। इस पे जो एक क्वेश्चन आता है ना बनकर, वो क्वेश्चन ये आता है कि हॉर्स शू शेप जो टनल है वो कौन सी है, यानी घोड़े के नाल की आकार की टनल कौन सी है, वो कौन सी? अटल, हॉर्स शू शेप। हाँ गोल नहीं है, नाल जैसी है। अरे गोल तो सर्कल होता है, हाँ लमसम गोल कह दो और क्या। चलो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द नदर मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे उत्तरी स्थित शहर है? पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोहिमा? हाँ कोहिमा किसमें है? नागालैंड में, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। कोलकाता वेस्ट बंगाल में छोड़ दो, पटना बिहार में छोड़ दो, यानी आंसर क्या आएगा हमारा? गुवाहाटी। आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना,
क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं अपने इसमें पीएससी में, है ना, कि कौन सा सबसे उत्तर में, कौन सा सबसे पूर्व में, कौन सा सबसे पश्चिम में, कौन सा सबसे साउथ में, ऐसा करके। चलिए, इफ द स्पीड ऑफ ए मूविंग मैग्नेट इनसाइड ए कॉइल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, यानी यदि किसी कुंडली के अंदर गतिमान चुंबक की चाल बढ़ जाती है तो कुंडली विद्युत धारा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, पलट जाएगी या वैसी रहेगी? बढ़ेगी, कि जितनी बार आप मैग्नेट को क्या है किसी कॉइल के भीतर तेजी से घुमाओगे उतने उसमें करंट क्या होगा, जनरेट होगा। ये चलो, निशी ट्राइब इज फाउंड इन, ये निशी जो ट्राइब है कहां पर, तुक्का लगाओ, तुक्का तुक्का अरुणाचल, और तुक्का बिल्कुल सही है। क्या होता है पीएससी में आप देखना, अगर मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता है ना पीएससी में, तो ज्यादातर वहां पे आंसर बी और सी में से एक निकलता है, वो प्रोबेबिलिटी बी की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में होती कौन सी, अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति है, सोमपेन, जारबा, सेंटिनल, नीलगिरी केरला में कौन सी है, ये पूछी गई नीलगिरी केरला वाली, टोडा, ठीक है टोडा, कश्मीर में कौन सी है, गड्डी, हिमाचल प्रदेश में गुज्जर, गुर्जर नहीं है, गुज्जर है, ध्यान रखना भैया, पाकिस्तान में बहुत रहते हैं गुज्जर, ये पाकिस्तान की जो मूवी है, मूवी उसमें गुज्जर बहुत मिलेंगे आपको, किसी ने देखी पाकिस्तान की मूवी कोई सी, मैंने देखी बहुत सारी, तभी ये निशी ट्राइब की महिलाएं हैं, मैंने महिलाओं फोटो लगा दिया एज ए वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, नहीं ये निशी है, निशी गुज्जर नहीं है, वो निशी है, निशी, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, जो पत्रिका पेपर नहीं आता, पत्रिका पेपर में उससे बहुत प्रेरित था, गर्मियां आती हैं तो दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाती हुई युवती, बारिश आती है तो छाता पकड़ी युवती, मेला आता तो सॉफ्टी खाती युवती, है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया तो फिर निशी ट्राइब की युवती। चलिए, आई टी एस जेड इज प्रेजेंट बिटवीन, आई टी जेड किसके पीछे मौजूद है, अरे सबको पता है, क्या बात है यार, पढ़ लिया है ना यार, अच्छा ये टॉपिक हो गया है ना अपना, अच्छा अच्छा, इसकी जो पोजीशन है वो हमको पोजीशन ध्यान रखना, कहां से, नॉर्थ से लेकर साउथ, हम देखो चलना शुरू कर रहे हैं, कहां से करेंगे, तिब्बत से, तिब्बत से चलना शुरू करेंगे तो हमें पहले क्या मिलेगा तिब्बत के बाद में, ट्रांस हिमालय तिब्बत में ही आ जाएगा ना, ठीक है ना, ये चीज, तिब्बत से हम चलना शुरू करेंगे, भारत में एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भारत में एंट्री करने से पहले हमें क्या मिलने वाला है, हाँ ट्रांस हिमालय हो चुका ना, तिब्बत में ही हो गया ना ट्रांस हिमालय, आई टी एस जेड, अच्छा आई टी एस जेड का फुल फॉर्म क्या है, इंडो सांको सुचर जोन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब हम चलना शुरू है आई टी जेड के आगे, तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, कौन सा हिमालय मिलेगा, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद में फिर हमें क्या मिलेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इससे हम नीचे चलना शुरू करें फिर कौन सा हिमालय हमको मिलेगा, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर हम नीचे चलना शुरू करेंगे हमें क्या मिलेगा, शिवालिक, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, ये ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक, हाँ बिल्कुल, मास्टर नहीं इतना होशियार, नहीं खैर बच्चों को होशियार होने चाहिए, सीधी बताऊँ क्यों, आप लोग होशियार क्यों है, आप क्या बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हम तो केवल एक ही पढ़ रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या करें जिम्मेदारी इतनी सारी है। चलो अरेंज द फॉलोइंग फॉल्ट, हाँ ये आ गया देखो नॉर्थ टू साउथ वाला, तो पहला एम सी टी एम बी एफ एच ए आंसर हो जाएगा ना, चलो सभी को पता है ना, ये तो कोई बताई दिए सभी लोगों ने अच्छे तरीके से, कुमायू हिमालय इज प्रेजेंट बिटवीन विच रिवर, आपको पता होंगे, देखो पहले कौन सी नदी है यहां पे, सिंधु, एक बार देख लो यहां पर, अरे सतलज और काली के बीच में, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल है,
सतलज का कौन सी नदी है? काली। तीस्ता। फिर कोई नदी है तीस्ता के बाद? वो तो आसाम वाला। अब सिंधु सतलज के बीच में जो हिमालय उनका नाम क्या है? ठीक है ना, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ये जो क्वेश्चन है पंजाब वाला, ये पूछा गया कईयों बार कि पंजाब हिमालय जो है वो किन दो नदियों के बीच में, ये कईयों बार, ये अकेला कश्मीर हिमालय तो नहीं लेकिन पंजाब हिमालय कईयों बार एग्जाम में पूछा चुका है किन दो नदी के बीच में, तो सिंधु सतलुज। ठीक है, फिर मैं आपसे कौन सा बोल रहा हूँ, कुमायूं हिमालय, वो हमें कहाँ मिलेगा? सतलुज और काली के बीच। ठीक है, और फिर काली और तीस्ता के बीच कौन सा मिलेगा? नेपाल हिमालय, और तीस्ता के बाद फिर असम हिमालय आ जाएगा, असम हिमालय आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। सी आंसर है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, है ना, के एल जेड एस, है ना, ये ऐसे याद रहेगा आपको, के एल जेड एस करके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक। ठीक है, ये भी पूछा था क्रम सीधा सीधा, इसीलिए तो हमने देखिए नॉर्थ टू साउथ का ये क्रम है। चलिए, राकापोशी माउंटेन आर फाउंड इन विच रेंज, किसमें? लद्दाख में, बिल्कुल सही है, राकापोशी है लद्दाख में। चलिए, अरे यार ये क्वेश्चन और भी थे अभी, इसमें शायद आ नहीं पाए। चलो इतना ही रखते हैं आज अपन, ठीक है ना, तो घर निकालने का टाइम लगेगा।